यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने उत्तर कोरिया पर नई आर्थिक पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव के बाद उत्तर कोरिया को दुनिया के देशों से व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। चीन के बाद भारत उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। एक नज़र डालते हैं भारत और उत्तर कोरिया के व्यापारिक रिश्तों पर। भारत के लिए उत्तर कोरिया व्यापार के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा उत्तर कोरिया के लिए भारत है। चीन के बाद भारत नॉर्थ कोरिया के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। उत्तर कोरिया अपने कुल आयात और निर्यात का 3% भारत से खरीदता और भारत में भेजता है, जो 2014 के स्तर से दुगना है। ताज़ा सरकारी आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों के बीच लगभग $20,000 करोड़ का व्यापार हुआ। उत्तर कोरिया अपना 95% चांदी भारत को बेचता है, जो कि भारत में होने वाले कुल चांदी आयात का 1% है। भारत 74% ओरिजिनल प्राचीन मूर्तियां आदि उत्तर कोरिया को भेजता है, जो कि उत्तर कोरिया के कुल मूर्ति आदि के आयात का 100% है। यानी उत्तर कोरिया ओरिजिनल मूर्तियां पूरे विश्व में सिर्फ भारत से ही खरीदता है और ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। भारत में 59वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक उत्तर कोरिया है। भारत में विदेशी निवेश में नॉर्थ कोरिया, ब्राज़ील और कतर से काफ़ी ऊपर है। पिछले 5 साल में उत्तर कोरिया के आयात में लगभग 26% की गिरावट आई है और निर्यात में कुल 21% की गिरावट। इन आंकड़ों ने उत्तर कोरिया को अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने में काफ़ी मदद की है। पिछले 5 साल में उत्तर कोरिया का ट्रेड डेफिसिट आधा हो चुका है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर भारत और उत्तर कोरिया के बीच रिश्तों पर नज़र डालें तो पाएंगे कि भारत के कुल निर्यात का 0.043% नॉर्थ कोरिया को जाता है और कुल आयात का 0.027% नॉर्थ कोरिया से आता है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।